इस आज की इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी को लेकर, जो कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो कि बिटकॉइन बोली जाती है। ठीक है, बिटकॉइन आखिर कितने रुपए का है और आखिर हम इसे खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तब आखिर हमें किस तरीके से यहाँ पर खरीदना होगा और किस तरीके से बेचना होगा, उससे पहले कुछ जानकारी है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आखिर ये किस तरीके से काम करती है करेंसी, और आखिर इसमें फ़ायदा कितना है और आखिर इसमें लॉस कितना है, और इस समय आखिर हम कितने रुपए में एक बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर बिटकॉइन करेंसी जो कि एक डिजिटल करेंसी है, जो कि पूरी तरीके से डिजिटल करेंसी है, और इसे ना तो आप अपने हाथ में ले सकते हैं। एक्चुअली में है क्या, जैसे कि अगर आप जानते होंगे हर देश में, ठीक है, अलग अलग करेंसी होती है। यानी कि अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत की जो करेंसी है वो इंडियन यानी कि रुपीज़ करेंसी है। जैसे कि आप अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका की करेंसी अलग है, सिंगापुर में जाते हैं तो सिंगापुर की करेंसी अलग है। इसी हिसाब से यहाँ पर है बिटकॉइन जो कि पूरी तरीके से डिजिटली है, और इस करेंसी को ना तो आप हाथ में ले सकते हैं और ना तो आप किसी को दे सकते हैं। कहने का मतलब, जब आपके हाथ में ही नहीं आएगी वो करेंसी तो आप किसी को हाथ से दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये पूरी तरीके से डिजिटली करेंसी है और इससे आप लेन देन कर सकते हैं ऑनलाइन ही। ठीक है, इसमें अगर आप इस करेंसी को खरीदना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कितने रुपए की पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक यहाँ पर इसका डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल का। मोबाइल की जो डिस्प्ले है आपको बराबर में शो हो रही होगी। ठीक है, और लगभग यहाँ पर आज से 10 साल पहले करीब 28-29 हज़ार में एक बिटकॉइन की वैल्यू थी। ठीक है, जो कि आप 28-29 हज़ार में एक बिटकॉइन खरीद सकते थे, और उसके बाद जो अब बात कर लेते हैं 2024 में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बिटकॉइन जो कि इंडियन करेंसी में बात कर लेते हैं कितने रुपए का होता है, तो यहाँ पर हो जाता है 53,47,502 रुपये का एक बिटकॉइन आपको मिलेगा। लगभग यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यानी कि 53 लाख और करीब 48,000 रुपये का आपको एक बिटकॉइन पड़ेगा। इसकी जो करेंसी की वैल्यू है वो यहाँ पर घटती बढ़ती रहती है मिनटों में। ठीक है, तो अगर आप इसे आज से नौ साल पहले खरीदते तो वो आपको यहाँ पर 28-29 हज़ार रुपये में एक बिटकॉइन मिल जाता। वैसे में यह है, अगर आप इस बिटकॉइन को होल्ड करके रखते अपने पास और आज आप बेचते 2024 में, तो आपको यहाँ पर लगभग 53.5 लाख रुपये का यहाँ पर ये आपका ये बिक जाता। ठीक है, तो ये इसकी जो करेंसी है वो एकदम बहुत ही तेज़ी से हाई ऊपर जाती है, और इसकी जो प्राइस है यानी कि करेंसी की वैल्यू है वो भी यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से गिरती है। तो ये पूरी तरीके से डिजिटली है। इसका मतलब है, जैसे कि अगर आप बिटकॉइन को ले रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने पास इसे होल्ड करके रख सकते हैं, और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि महंगा होगा, ठीक है, तब आप इसे रोक कर और लंबे समय के बाद, ठीक है, तब आप इसे बेच सकते हैं और उससे जो पैसे हैं वो आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये निर्भर करती है, देखो ये आखिर खरीदते कब हैं लोग, जैसे कि जिन लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर आप 50-60 या 1-2 लाख रुपए मंथली की यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तब आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक पूरी तरीके से ब्लैक समझ सकते हैं, जिसके पास काला धन वगैरह होता है तो वो यहाँ पर बिटकॉइन को खरीद लेते हैं। ठीक है, इसमें ना तो आपको कोई टैक्स वगैरह का यहाँ पर झंझट होता है, क्योंकि इसमें ना तो आपकी कोई भी, अगर इस बिटकॉइन को खरीदते भी हैं तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे जो कि वहाँ पर आपका एक अकाउंट बनाया जाएगा और आप यहाँ पर इंडियन करेंसी देकर, ठीक है, और आप वहाँ पर बिटकॉइन को खरीद सकते हैं। अब बिटकॉइन को आप वहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं। अब ऐसे में एक खतरा ये भी हो जाता है, अगर आपका जो पासवर्ड वगैरह है वो पता किसी को चल जाता है तो आपके जो बिटकॉइन है वो पूरी तरीके से साफ कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट जो कि हैकर वगैरह है। ठीक है, और ऐसे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हैकर जो कि बैंक के पासवर्ड वगैरह होते हैं या फिर आपका पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो इसमें आपकी गवर्नमेंट जिस भी देश में रहते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो जिस बैंक से पैसे कटे होंगे वो बैंक जिम्मेदार होगा। ठीक है, पर ऐसे में अगर आप एक बिटकॉइन खरीदते हैं और बिटकॉइन का पासवर्ड वगैरह जो भी आपकी आईडी है उसका पासवर्ड वगैरह किसी को पता चल जाता है और बिटकॉइन आपके कोई निकाल लेता है वहाँ पर, तो इसमें ना तो आप किसी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जिससे आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं और आप इसमें पैसे उसे दे रहे हैं, तो इसमें सिर्फ दो ही पार्टियाँ यानी कि सामने वाली और आप खुद, ठीक है, इसमें तीसरा कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर गलती से आपकी जो बिटकॉइन है किसी दूसरे के अकाउंट में पहुंच भी जाता है, तो आप जब तक वो सामने वाला व्यक्ति आपको बिटकॉइन नहीं भेजेगा तब तक आप उससे बिटकॉइन भी नहीं ले सकते हैं। और ऐसे में यह है, जैसे कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और जो इंडियन रुपीज़ हैं, अगर आपके बैंक से गलती से पैसे जो दूसरे के अकाउंट में पहुँच जाते हैं तो वो पैसे आप यहाँ पर वापस ले सकते हैं 3 दिन तक का ये रूल होता है बैंक का। ठीक है, और इसमें आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी लोग इसे
इसमें पैसे इन्वेस्ट करने को लेकर यहाँ पर लेते हैं, तो कहने का मतलब है आप इसमें जल्दी अमीर भी बन सकते हैं और इसमें जल्दी गरीब भी बन सकते हैं। बिटकॉइन की वैल्यू है वो है 53.5 लाख, और उसके बाद में अगर इसकी जो वैल्यू घटती है तो आपका इसमें नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। अगर आप बिटकॉइन को ख़रीद रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि जो पैसा है आपका समझो डूब भी सकता है, पूरे पूरे पर इतने पे आप यहाँ पर बिटकॉइन को ख़रीदें, ठीक है। हालांकि ये मेरी राय नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल भी लिखा है, आर्टिकल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। आपको गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है shankarblog.com, ठीक है। जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वेबसाइट सिंपली ओपन हो जाएगी और आपको यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आर्टिकल के बारे में आप यहाँ पर कोई भी राय है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आखिर बिटकॉइन की वैल्यू किस तरीके से घटती है और आखिर इसमें आपको पैसे को निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह है, तो आप इनमें जो आपका पैसा है वो कहीं पर चला जाता है तो आप वहाँ पर कहीं पर पुलिस चौकी थाने जाकर या फिर कोर्ट में जाके आप वहाँ मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर ऐसे में आपका बिटकॉइन करेंसी है वो चला जाता है तो आप यहाँ पर कहीं पर भी रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पैसा है वो आपने अपनी मर्जी से इसमें दिया है, और क्योंकि इसमें दो ही पार्टी होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी को बेच रहे हैं, सामने वाली पार्टी, या फिर आप उससे ले रहे हैं आप खुद, ठीक है। इसमें किसी तीसरे का होता ही नहीं है हाथ वगैरह कुछ भी, ठीक है। और जैसे कि आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बैंक की अथॉरिटी होती है, और इसी के साथ में अगर आपका पैसा कुछ भी हो भी जाता है या हैक वगैरह हो जाता है या फिर आपका पैसा मारा जाता है तो वहाँ पर आप रिपोर्ट भी करा सकते हैं, पर इसमें आप रिपोर्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप सीख गए होंगे कि आखिर बिटकॉइन करेंसी क्या है और किस तरीके से काम करती है।